हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बना रहे हैं न्यू रेसिपी, एकदम टेस्टी टेस्टी। तो मैंने लिया है 1 चम्मच तेल, बड़ा चम्मच, उसमें डाला है जीरा और बारीक कटा हुआ प्याज डाल दिया है। इसको अच्छे से ब्राउन होने तक भून लेंगे और इसमें ऐड करेंगे कुछ मसाले। नमक डालेंगे इसमें, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालें आप, और ऐड करेंगे सूखा पिसा हुआ धनिया। और इसमें मैंने टमाटर ऐड कर दिए हैं, हल्दी मैंने नहीं डाली है। आप चाहें तो, अगर आपको कोई चीज़ में कलर लाना है, येलो कलर चाहिए, तो आप हल्दी ऐड कर सकते हैं। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 मैगी मसाला मैंने ऐड कर दिया है। अब मैं डाल रही हूँ इसमें लगभग 2 गिलास पानी। तो 2 गिलास पानी लिया है मैंने, और अब इसमें डालूँगी 1 मैगी मसाला। और 1 गिलास पानी में 1 मैगी मसाला काफ़ी होता है, तो मैंने 2 गिलास पानी लिया है, तो मैं 2 मैगी मसाला ऐड कर रही हूँ। और इसको अच्छे से उबाल लेंगे। तो आप देख सकते हैं अच्छे से उबाल आ चुका है इसमें। अब मैंने ऐड कर दी है कसूरी मेथी थोड़ी सी। तो ये हमारे नाश्ते को जो हम बनाने जा रहे हैं, उसे एक बहुत अच्छा टेस्ट फ्लेवर देगा। और अब डालेंगे इसमें 1 नींबू। तो मैं 1 नींबू निचोड़ रही हूँ, और इसको मिक्स कर दिया मैंने। और अब इसमें मैं ले रही हूँ लगभग 150 ग्राम सूजी, और चलाते हुए इसको ऐड कर देंगे। इसी जो हमने घोल बनाया है, इसमें चलाते रहेंगे, इकट्ठी ऐड नहीं करेंगे, नहीं तो इसमें लम्स पड़ जाएंगे। धीरे धीरे डालते जाएंगे और इसको चलाते जाएंगे, लम्स नहीं पड़ने देंगे। और इसका एक थिक बैटर, या आप कहें डो, बना लेंगे आटे की तरह। और अच्छे से इसको चलाते रहेंगे जब तक ये गाढ़ा नहीं हो जाएगा, थिक नहीं हो जाएगा, चलाते रहेंगे। तो आज का ये टेस्टी टेस्टी नाश्ता आप ज़रूर बनाएं, बहुत टेस्टी बनता है। बच्चे जब भी टेस्टी चीज़ खाने का मन करता है बच्चों का, तो मैं ये रेडी करती हूँ, बच्चे बहुत खुश होकर खाते हैं। इसके सामने मोमोज भी फेल हैं आपके, चाइनीज़ फूड है, घर पे बना लिया। और अब मैंने इसे ठंडा कर लिया है, और चलाते हुए ठंडा कर लेंगे। इसमें कोई लम्स नहीं पड़े हैं, आप देख सकते हैं, और बिल्कुल हमारी सूजी जो है वो फूल चुकी है। और इसमें अब हम ऐड करेंगे, इसमें टेस्ट बढ़ाने के लिए आप पनीर डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं। तो मैं इसमें कड़ी पत्ता डाल दिया मैंने, बारीक कटा हुआ, और इसमें 2 आलू मैंने मैश करके डाल दिए हैं। और इसको अच्छे से बाइंड अप कर लेंगे, मिक्स कर लेंगे अच्छे से, आलू सूजी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे हाथों से। आप चाहें चम्मच से करें, मैं तो हाथों से इसे मिक्स कर रही हूँ। तो बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे इसको, कहीं पर ऐसा ना हो कि आलू ना मिक्स हो, कहीं पर ना हो कि आलू ना पहुँचे। तो आलू और सूजी मिलके बहुत अच्छा टेस्ट देते हैं, और मैगी मसाला इसके टेस्ट को 2 गुना नहीं 10 गुना बढ़ा देता है। तो आप चाहें तो इसमें कोई और मसाला भी ऐड कर सकते हैं, जैसे पाव भाजी मसाला या शाही पनीर मसाला ऐड कर सकते हैं। फ़िलहाल बच्चों के लिए तो मैगी मसाला सबसे टेस्टी होता है। तो ये मैं हाथ छुड़ा रही हूँ हाथों में से इसे मटर को, और अब इसको हम दे देंगे शेप। ये मैं इसको गोल बोल शेप दे रही हूँ, आप अपनी इच्छा अनुसार कोई भी शेप दे सकते हैं। तो ये आज हमने आलू और सूजी के बोल्स तैयार किए हैं, और आप देख सकते हैं बिल्कुल गोल बोल तैयार हैं। ऐसे करके मैं सारे बोल मैंने तैयार कर लिए हैं, आप देख सकते हैं। और ये हमारा एक बिल्कुल न्यू टेस्टी नाश्ता रेडी है, मेहमानों को खिलाएँ, बच्चों को खिलाएँ, एकदम न्यू है। और अब इसको हम करेंगे डीप फ्राई। तो आप देख सकते हैं तेल गर्म हो चुका है, और मैं एक एक करके इन्हें डाल दूँगी इसमें, और ब्राउन होने तक इनको सेक लेंगे। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरा नाश्ता कैसा लगा। और ये बोल्स डालते ही इनको आप नहीं चलाएं, थोड़ी देर जब नीचे से ब्राउन हो जाएं, इनका बेस बन जाए, तब इन्हें आप टच करें और इन्हें पलटें। तेल ज़्यादा लें, मैंने थोड़ा कम तेल लिया है। अगर आप तेल ज़्यादा लेंगे तो ये ऑटोमेटिकली इसमें डिप हो जाएंगे और अच्छे से, तो मैंने कम तेल लिया है इतना। और इसको मैंने पलटते हुए उलटते हुए आप देख सकते हैं ब्राउन हो चुके हैं, एकदम दूर से लग रहे थे गुलाब जामुन फ्राई कर रहे हैं। बहुत टेस्टी बनता है नाश्ता, आप एक बार बनाएंगे और बच्चों को खिलाएंगे, मेहमानों को, तो हर बार डिमांड उनकी यही होगी कि फिर से वही नाश्ता बनाओ। तो आप देखते हैं, ये देखो आप कितने अच्छे से ब्राउन हो गए हैं, उलट पलट के मैंने सारे ब्राउन कर लिए हैं। और जो नहीं पलटा जाएगा, उसके लिए मेरे पास एक छोटी मैजिकल करछी है, आप देख सकते हैं, ये मैं इससे पलट देती हूँ, और अब देखो ये पलटे गए। तो ढीठ वालों को मैंने पलटा है मैजिकल करछी से। तो अब देख सकते हैं ये कितना प्यारा कलर आया है इन पे, बहुत ही टेस्टी बोल्स रेडी हुई है हमारे, और इसमें कोई ज़्यादा मेहनत भी नहीं है।
मैगी मसाला, सूजी, आलू और कड़ी पत्ता, नमक तो हम डालते हैं। बस इन तीन चार चीज़ों से हमारा एक टेस्टी बोल नाश्ता रेडी हो गया है। अब इसको सर्व करेंगे रेड चटनी के साथ। तो ज़रूर बताएं आपको नाश्ता कैसा लगा। थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।